आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे तीन खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी पहली खबर है कि मलेशियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी JF-17 थंडर और साउथ कोरियन FA-50 को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ये रिपोर्ट कोरिया टाइम्स की तरफ से दी गई थी और उसके बाद बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने इस खबर को कैरी किया है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि जो रिपोर्ट कोरिया टाइम्स की तरफ से दी गई थी, उन्होंने एक सोर्स को कोट किया था और ये अननेम्ड सोर्स कोरिया टाइम्स के हिसाब से एक मलेशियन ऑफिशियल है जिसने कोरिया टाइम्स को ये बताया है कि चाइनीज और पाकिस्तानी JF-17 थंडर और साउथ कोरियन F-50 मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं और इन दोनों में से एक फाइटर जेट मलेशियन एयरफोर्स सेलेक्ट करने वाली है। इस बारे में और डिटेल में बात करने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि आमतौर पर जो भी सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जहां पर सूत्रों के हवाले से कोई न्यूज निकल कर आती है, वहां पर रॉन्ग नंबर लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहां पे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। मलेशिया की न्यूज सूत्रों के हिसाब से कोरियन न्यूज एजेंसी को मिलती है और कोरियन न्यूज एजेंसी एक इतनी बड़ी खबर को ब्रेक करती है जिसको कोई भी मलेशियन न्यूज पेपर एंडोर्स नहीं करता है और ना ही कहीं पर मलेशिया की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की जाती है कि मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से इस तरीके का कोई भी डिसीजन लिया गया है। लेकिन खाली विश्लेषण के लिए मान लेते हैं कि मलेशिया की तरफ से चाइनीज JF-17 थंडर और साउथ कोरियन FA-50 शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऐसी सिचुएशन में मलेशियन एयरफोर्स जो अपने MiG-29 को मॉथबॉल कर चुकी है, यानी कि उनको स्टोरेज में डाल चुकी है, तो क्या वो इसी फाइटर जेट के इंजन के बेसिस पे बने हुए JF-17 थंडर को शॉर्टलिस्ट करेंगे? और अगर करते हैं तो क्या इस फाइटर जेट को एक हाईली रिलायबल जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से पावर किए जाने वाले FA-50 के ऊपर प्रेफर किया जाएगा? यहाँ पर जो दूसरा एस्पेक्ट है वो मलेशिया और चाइना की रिलेशनशिप को लेकर है। मलेशिया और चाइना की रिलेशनशिप हाल ही के समय में काफी ज्यादा खराब हुई है और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मलेशिया, जिसकी रिलेशनशिप चाइना के साथ खराब होती जा रही है, वो एक चाइनीज ओरिजिन के फाइटर जेट को सेलेक्ट करता है। यहाँ पर एक लॉजिस्टिकल एंगल भी है। मलेशियन एयरफोर्स SU-30 और FA-18 सुपर हॉर्नेट ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। ऐसे में मलेशियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी अमेरिकन ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स, चाहे वो BVR मिसाइल्स हों या बॉम्ब्स हों, ऑलरेडी मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर SU-30 के साथ में रशियन ओरिजिन के बॉम्ब्स और BVR मिसाइल्स मलेशिया के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि मलेशियन एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी दो अलग अलग प्रकार के अलग अलग ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसे में JF-17 थंडर आने से मलेशियन एयरफोर्स को तीसरी तरीके के वेपन सिस्टम्स की इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। ये वेपन सिस्टम्स होंगे चाइनीज ओरिजिन के। वहीं पर साउथ कोरियन FA-50 को देखा जाए तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक F-404 इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसके वजह से ये फाइटर जेट काफी ज्यादा रिलायबल है। साथ ही इसमें यूज होने वाले वेपन सिस्टम्स अमेरिकन ओरिजिन के हैं, जो कि FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ में कंपैटिबल हैं। यानी कि उस हिसाब से मलेशिया के लिए लॉजिस्टिकली और इकोनॉमिकली FA-50 एक बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं FA-50 की, तो केवल परफॉर्मेंस पैरामीटर पर JF-17 थंडर FA-50 से बेहतर है। लेकिन अगर इन दोनों फाइटर जेट्स के साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कंपेयर किया जाए, तो परफॉर्मेंस के मामले में JF-17 थंडर से LCA तेजस की परफॉर्मेंस बेहतर है। साथ ही इसमें रशियन ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स को काफी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। वहीं FA-50 का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है रिलायबिलिटी, तो LCA तेजस JF-17 से बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए FA-50 जितनी रिलायबिलिटी ऑफर करता है। यानी कि दोनों फाइटर जेट्स के पॉजिटिव LCA तेजस में मौजूद हैं और इस हिसाब से ये फाइटर जेट एक काफी ज्यादा स्ट्रांग कंटेंडर है। वहीं दूसरी ओर कोरिया टाइम्स की ये न्यूज द इकोनॉमिक टाइम्स की दूसरी न्यूज के साथ में कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से मलेशिया की एक टीम आने वाले कुछ समय में भारत आने वाली है और ये टीम भारत आने के बाद में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इवैल्यूएट करेगी। और अगर मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज और पाकिस्तानी JF-17 थंडर और साउथ कोरियन FA-50 को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, तो ये टीम भारत में LCA तेजस को इवैल्यूएट करने क्यों आ रही है? देखिए, आमतौर पर जब भी फाइटर जेट्स की डील होती है तो इस तरीके की न्यूज आती रहती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है भारतीय MMRCA-2। आपको हर हफ्ते किसी एक फाइटर के फेवर में और दूसरे फाइटर जेट के अगेंस्ट एक ना एक आर्टिकल मिल ही जाता है। रही बात मलेशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए खरीदे जाने वाले फाइटर जेट्स को लेकर, तो ये एक थ्री वे फाइट है और चीजें आने वाले समय में ही क्लियर होंगी कि अल्टीमेटली इन तीनों में से कौन सा फाइटर जेट खरीदा जा रहा है। वैसे अगर रिलीजियस एंगल देखा जाए तो उस हिसाब से पाकिस्तान के पास में इस डील को लेकर थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में कोई भी देश बिजनेस और रिलीजन को अलग ही रखता है। उस हिसाब से आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फाइटर जेट मलेशियन एयरफोर्स खरीदती है।
अब एनालाइज करते हैं अपनी दूसरी न्यूज को। दूसरी न्यूज भी पाकिस्तान के साथ ही एसोसिएटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से एक फेडरल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से 8 F-16 फाइटर जेट दिए जाएंगे। इस डील की कीमत है $7 मिलियन की। पहले पाकिस्तान की तरफ से 18 F-16 फाइटर जेट खरीदने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पैसों को लेकर इस नंबर को कम किया गया और अब केवल 8 फाइटर जेट पाकिस्तान अक्वायर करने वाला है। पाकिस्तान को F-16 की डिलीवरी 1983 से शुरू हुई थी। शुरुआती F-16 F-16A और B स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स थे। बाद में साल 2010 के आसपास पाकिस्तान को 18 F-16C मिले हैं। इस बैच में 12 F-16C ब्लॉक 52 थे और 6 F-16D ब्लॉक 52 थे। इसी डील के दौरान पाकिस्तान ने अपने पुराने F-16A और B F-16C ब्लॉक 52 लेवल पर अपग्रेड किए हैं, यानी कि पाकिस्तान के पास में 75 से 85 F-16 फाइटर जेट्स हैं। इस सारे के सारे फाइटर जेट्स ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स के हैं और ये जो 8 फाइटर जेट्स को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये फाइटर जेट्स भी ब्लॉक 52 के होंगे। F-16C ब्लॉक 52 एक डिसेंट फाइटर जेट है, लेकिन इस फाइटर जेट में मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं लगे होंगे, यानी कि पाकिस्तान को सेल के लिए जो फाइटर जेट अप्रूव किए गए हैं वो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग फ्लीट जितने ही केपेबल फाइटर जेट्स होंगे। इनमें एसा रेडार, मॉडर्न एवियोनिक्स या AIM-120C का जो लॉन्गर रेंज वेरिएंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। पाकिस्तान के पास में इस समय जो AIM-120C है वो C-5 वेरिएंट की है और जो नोटिफिकेशन निकल कर आई है, यानी कि ब्लॉक 52 के 8 फाइटर जेट्स, ये फाइटर जेट भी AIM-120C-5 ही कैरी करेंगे। हालांकि अभी ये सेल पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये बस फॉर्मेलिटी है और जल्द ही ये सेल पाकिस्तान के लिए अप्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट। जब पाकिस्तान चाइना के साथ में मिलकर JF-17 थंडर बना रहा है और आने वाले समय में JF-17 थंडर का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, यानी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3, वो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को मिलने वाला है, जिसको आमतौर पर पाकिस्तानी रफाल के साथ में कंपेयर करते हैं, इन सब के बावजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स 8 फाइटर जेट, जहां पर हर फाइटर जेट की कीमत लगभग $87 मिलियन की है, उसको अक्वायर करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं, जबकि उनके पास में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऑप्शन है। यहां पर एक चीज क्लियर होती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 थंडर की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और उनको F-16 लेवल का फाइटर जेट चाहिए। अब एनालाइज करते हैं अपनी तीसरी न्यूज को। तीसरी न्यूज भी पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, लेकिन ये रशिया को लेकर आ रही। रशियन फॉरेन मिनिस्टर कुछ समय पहले भारत आए थे और उसके बाद वो वहाँ से पाकिस्तान गए हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान विजिट के दौरान माना जा रहा है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक इम्पोर्टेंट मैसेज पाकिस्तान के लिए लेकर गए थे, जिसके हिसाब से रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के एक सीनियर ऑफिशियल ने पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए बताया है और उन्होंने कहा था कि रशिया की तरफ से पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक ब्लैंक चेक ऑफर किया गया है। अगेन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक सोर्स के बेसिस पर है और वो सोर्स अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान को अपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी। साथ ही रशियन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर होगा, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन में रशियन इकोनॉमी इस समय घूम रही है, उस हिसाब से रशिया के पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके उसको बर्बाद कर सके। जब तक रशिया को इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, तब तक रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जिस तरीके की बातचीत करते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। इन्वेस्टमेंट ब्लैंक चेक कैसे है, ये चीज तो समझ में आती ही नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी जनरल्स के लिए ये ब्लैंक चेक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिज्जा वाले जनरल ने सीपेक के पैसे खाए और निकल लिए और अब पाकिस्तानी आवाम उस पैसे को भर रही है, उस हिसाब से ये पाकिस्तानी जनरल्स के लिए ब्लैंक चेक जरूर हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वैसे कल के वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और आज के इस वीडियो में जो आपकी टॉप 5 कमेंट्स होंगी वो कल के वीडियो में डिस्प्ले की जाएंगी।